अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। बॉस, सीन ऐसा है कि भाई प्रीटी मच एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है आपका भाई, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ मैं आपको कि कैसे बताऊँ, मेरे पास मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज का ब्लॉग मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैं कोई स्टार्टिंग दे रहा हूँ। तो सीन ऐसा है कि प्लान बन गया है जो तकरीबन 2 साल से मैं कंटिन्यू चक्कर में लगा हुआ था, तो आपका भाई फाइनली पाकिस्तान टूर पर आज निकल रहा है फाइनली। तो प्लान सिर्फ इतना सा है कि एनओसी बन गई है, बाइक की एनओसी बना ली है, और मैंने ये सोचा है कि मैं इस दफ़ा का ऐसा टूर बनाऊंगा कि मेरे बाहर जाने वाले जो लोग हैं वो आसानी से अपने टूर को बहुत इजीली मतलब कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान प्रोसेस है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं लगा मुझे। तो एनओसी बन गई है और अभी जाएंगे हम पहले बाइक बिल्टी करने, बाइक बिल्टी कर आते हैं, और बाइक बिल्टी कर आने के बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगा कि मैं पाकिस्तान टूर के ऊपर क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ। तो इससे जून मेरे साथ रहें, चलते हैं पहले बाइक बिल्टी करने, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। कल भी गए थे 4 बजे, लास्ट टाइम होता है उनका, उन्होंने हमारी बाइक्स नहीं ली थी, आज हम दोबारा जा रहे हैं। तो आज अपनी बाइक बिल्टी करके आने के बाद उसके बाद हम दिखाएंगे कि मैं आपको पाकिस्तान में क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, और किस तरह जा रहा हूँ ये भी स्टोरी बताऊँगा आकर। तो चलते हैं पहले बाइक बिल्टी करा कर फिर बताऊँगा आपको बाकी न्यूज़। टू स्टे टून विद मी। तो भाई फाइनली जो है गाड़ियाँ जा रही हैं, कार्गो करेंगे और उसके बाद बिल्टी हो जाएंगी रामा के लिए। जब आप यहाँ पर आओगे अपना गाड़ी को बिल्टी कराने के लिए, तो आपको एनओसी की कॉपी करानी ज़रूरी है। बाकी फर्दर मोर डिटेल जो है वो मैं साथ साथ देता जाऊँगा। अभी कहाँ से बिल्टी कराना है ये भी बताऊँगा कि कहाँ से अभी गाड़ियाँ बिल्टी होंगी। फिलहाल अभी हम एनओसी की कॉपी करवा रहे हैं और यहाँ से जाएंगे फिर गाड़ियों को ड्रॉप करने, जहाँ पर हम पैकिंग शैकिंग करवाएंगे और करवाने के बाद फिर और एनओसी वगैरह सारी चीज़ें सबमिट कराती हैं। बाइक्स को बस जो है वो पैक करना है, बस पैक होंगी, उसके बाद जो है डब्बों में पैक होंगी बाइक्स, और उसके बाद फिर अपना बाइक राइड चलते हैं। अंकल की तरफ, अंकल क्या प्रोसेस करते हैं? पिंडी, राहुल पिंडी। यस, सो गाइस, बाइक बिल्टी हो गई है भाई, और बिल्ड करने का जो प्रोसेस है आपने देख लिया, मैंने दिखाया है क्योंकि सर सिलेक्टर के ऊपर नंबर लिख रहे थे। तो बिल्ड करने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा है, यहाँ से बिल्टी करने का, सॉरी बिल्ड बोल रहा हूँ। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा, मतलब जो आ रहा है बस मुँह में बोलते जाओ, अभी बोलते जाओ। तो सॉरी, बिल्डिंग करने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा हुआ कि हमने एनओसी बनाई है नाजामा 4 नंबर से जाकर कराची, और वहाँ से हमने बाइक कैंडी स्टेशन लेकर गए। कैंडी स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ 1520 रुपये उन्होंने एक बाइक के जो है वो हमसे चार्जेस नहीं है, कुछ और भी दिए हैं वो हम बता नहीं सकते वीडियो में, क्योंकि वो सीक्रेट, कीप इट सीक्रेट समथिंग, तो वो सीक्रेट है। और कुछ मतलब उनको जो लोडिंग करने वाले थे उनको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हमने दिए, इसलिए ताकि हमारी बाइक को जल्द से जल्द कराची टू रावलपिंडी पहुँचा दें। तो 2 दिन का उन्होंने टाइम कर रहा है कि वो आज शाम में गाड़ी चढ़ा देंगे और कल जो है वो हमारी रात तक या परसों सुबह तक हमारी बाइक्स रावलपिंडी में मिल जाएंगी। और हमारा जो सफ़र है वो हो गया था थोड़ा सा चेंज। पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, मैंने सोचा था वो अपलोड करूँगा, बट वो अपलोड नहीं कर सका। उसका रीज़न ये था कि पहले हम बाय रोड जा रहे थे पाकिस्तान कराची टू पाकिस्तान टू और पंजाब तक, वहाँ से आज़ाद कश्मीर का प्लान है हमारा। फर्दर मोर देखते हैं कि क्या क्या होगा, क्योंकि नारायण गागन के ऊपर अभी समय बर्फबारी की वजह से रोड थोड़े से बंद हो गए, तो हम मानसरा वाला रास्ता लेंगे। तो बाकी रस्ते की डिटेल तो मैं आपको देता रहूँगा। अभी का प्रोसेस, मैं आपको बिल्डिंग का प्रोसेस सिर्फ इतना सा बताया जो मैंने आपको छोटा सा, वो यही था। और फर्दर मोर जो है अपने पाकिस्तान टूर पर क्या क्या सामान लेने जा रहा हूँ वो आपको मैं इंशाल्लाह, सॉरी पाकिस्तान टूर के ऊपर क्या क्या सामान लेकर जा रहा हूँ, मैंने बताया एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, और बहुत मज़ा आने वाला है क्या बताऊँ। बाकी जो है ना, वहाँ से मैं बर्फ़ लाऊँगा आपके लिए,
बहुत ज़्यादा। तो जो जो भी व्यूअर्स चाहता है कि उसके लिए बर्फ लेकर आऊँ, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और पिघल गई तो आपके रिसीव आ गई, तो एनी वे इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। और बस इतना सही आज के लिए। और बिल्डिंग का प्रोसेस आपको बता दिया मैंने कि क्या क्या नहीं। अब जब वहाँ से बाइक रिसीव करूँगा तो भी मैं आपको बता दूँगा, छोटी सी वीडियो बना दूँगा ताकि उसमें पता लग जाए कि बाइक रिसीव करने का क्या प्रोसेस होता है। और दैट्स इट सिंपल। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान टूर के ऊपर, और बाकी डिटेल में बताऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़। अपने स्टेशन की तरफ। और सीन ये है कि मैंने सोचा कि सफ़र तो सारे करूँगा, तो इस्लामाबाद आओ और मेट्रो पे सफ़र ना करो तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अब जो है वो बाइक हमने दोस्त को दे दी जानबूझ के वापस किए ताकि हम मेट्रो में सफ़र कर सकें। तो अब जो है हम मेट्रो में सफ़र करते हैं कि इस्लामाबाद मेट्रो का क्या कैसा मज़ा है वो देखते हैं। तो मेट्रो में सफ़र करने के बाद अब चलते हैं मेट्रो में। तो भाई यहाँ तक तो सीन ये है कि मेट्रो में भी सफ़र हो गया, दो सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं और फुल एसी माहौल है और बहुत बेहतर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है। और रूट भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है और ईच एंड एवरीथिंग मतलब सब कुछ अच्छा है, गुड है। तो ये मेट्रो सर्विसेज की जो तारीफ़ करते हैं तो सही करते हैं। ट्रेन टाइम पे मिल रही है हर चीज़, जो टाइम उन्होंने कहा था कि सदर के लिए हमें गाड़ी मिलेंगी, वहाँ भी जा रहे हैं रावलपिंडी सदर जा रहे हैं। वहाँ से उतर के फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो मैंने कहा था कि मेट्रो का सफ़र भी करेंगे, जहाँ इतने सफ़र की हैं तो वहाँ मेट्रो का सफ़र भी करेंगे। तो मेट्रो का सफ़र भी हमारा डन हो गया है, तो फुल मस्ती चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में, बहुत चीज़ें इन्जॉय हो रही हैं। और बस छोड़ना नहीं था, ये गाँव में ला के मेट्रो का सफ़र छोड़ना मतलब ये अजीब सी बात है। तो देट इज़ द रीज़न कि मेट्रो भी कर लिया है। और स्टेप बाई स्टेप मैंने कहा था कि मैं हर दूसरी वीडियो में एक नया सरप्राइज़ दूँगा, तो जैसे कि पहले आपको ट्रेन का सरप्राइज़ मिला, दैन वॉट फिर आपको बस का, डाइवो का सरप्राइज़ मिला, और अब आपको मेट्रो का। तो देखा आपने दामन को हम गए थे मगर वो बंद मिला, और बस सिर्फ मेट्रो की ही चीज़ रह गई थी, तो मेट्रो भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, सदर में उतरेंगे, वहाँ से ऑटो करेंगे और जाएंगे वहाँ पे स्टेशन। तो गाड़ी बिल्डी कराची से करने के बाद यहाँ पर किस तरह मिलती है वो मैं आपको, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैं उसी के अंदर उसको एडिट करूँगा कि किस तरह से कराची से बिल्ड हुई, मैंने बताया था किस तरह से अब यहाँ से रिसीव होगी वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल मेट्रो के स्टेशन नहीं, हमारे स्टेशन अभी नहीं आया, बाद में आएगा जब उतरेंगे तो फिर देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मेट्रो का सफ़र मैं अकेले इन्जॉय करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और फिर आपको बताऊँगा। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि जाओगे नाम भी बोल रहा हूँ मैं। तो स्टेशन पे जाएंगे, ऑटो का सफ़र भी हो गया, लेकिन मैंने बताया है कि मैं इस दफ़ा सारे सफ़र करने वाला हूँ, तो बैक टू बैक सारे सफ़र हो रहे हैं। और ऑटो के बाद ये कौन सा नया सफ़र होगा ये मैं बता सकता हूँ। फिलहाल हम अपने घोड़े देने जा रहे हैं, हम वहाँ से अपनी बाइक से उठा जाएंगे, उसके बाद आई डोंट थिंक किसी और जगह सफ़र करने का दिल चाहेगा, जब हमारी गाड़ी हमें मिल जाएगी। अब तक के लिए हमने बड़े मज़े किए, हर तरह का सफ़र किए, बहुत मज़ा आ रहा है। रावलपिंडी ऑटो इसके मज़े के लिए, हर सिटी का एक अलग गेस्चर है, हर सिटी में एक अलग मज़ा है, हर सिटी के लोग बड़े मुख्तलिफ हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे भी मजे खाते में लेजेंडरी वालों को आप जानते हैं सबको। आ गया भाई रावलपिंडी रेलवे स्टेशन आ गया, और ये हमारे भाई नाम है ये जो है ना बंदा, ये देखा देर हो जाए आईफोन 5 6 से आई
ये आ गया मेरा भाई और इसको दे दिया ये। तुम्हारा नाम क्या बताना? विक्की है। विक्की भाई, ये विक्की भाई ये बड़ा शर्मा रहा है कसम से, ये इतना शर्मा रहा है। और ये इतना लाइक चाहे खाते नहीं आते, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं दिया ना तो ये तो बाद में बोलेगा यार लाइक खाते नहीं हो बस। तो विक्की ने हमें छोड़ दिया है इस पर रावलपिंडी स्टेशन, और हम यहाँ से अपनी बाइक ले लेंगे और फिर इंशाल्लाह कल दोबारा आना हो तो विक्की भाई फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। आते लाते हम इतनी कैमरे में ऐसे करेंगे टाटा अल्लाह हाफिज़। चल भाई चल, अब देखते हैं रेलवे स्टेशन की क्या मंजन है, ये हमें क्या क्या दिखाते हैं और क्या क्या करवाते हैं और ये हमारा क्या प्रोसेस लेते हैं रेलवे स्टेशन वाले। तो भाई अभी देखते हैं ये लोग हमसे कितनी तो फुहारी वारी करवाते हैं या हम ऐसे हमारी गाड़ियां दे देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल चलो सो गाइस, सीन ये है कि बहुत खुआरी के बाद बाइक्स अभी रिसीव हुई हैं रात को 9:30 बजे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बाइक्स को लेके जा रहा हूँ घर पे, और बाकी जो खुआरी की सारी जो चीज़ें हैं ना जो मैंने सीखा इस पूरे बिल्डिंग के प्रोसेस से वो मैं आपको घर पे बैठ के सुकून से डिटेल बताऊँगा। फ़िलहाल बाइक की कंडीशन वो नहीं है अच्छी, इंडिकेटर टूटे हुए, मेरी बाइक का खासतौर पर इंडिकेटर टूटा हुआ है एक, तो बहुत ही बुरी तरीके से बाइक लाई गई है फ़िलहाल। तो बाकी मैं आपको डिटेल जो है ना कि हमने क्या खुआरी की और हमसे क्या क्या गलतियाँ हो गई, मतलब गलती से मुड़ा देने की क्या प्रोसेस हमें करना चाहिए था और हमने क्या नहीं किया, ये सब आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके घर पहुँच के फिर बताता हूँ। क्योंकि हम तकरीबन 4 बजे से प्लेटफॉर्म पे और 9:30 बजे में गाड़ियाँ रिसीव हुई हैं, ऑलमोस्ट 5 आवर्स हमने वेट किया, लेकिन हमने इन्जॉय भी किया, ऐसी बात नहीं हमने वेट किया साथ वाले, हमने साथ में इन्जॉय भी किया थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि गाड़ी लेट हो चुकी है तो उसकी वजह से हमने इन्जॉय किया। मगर जो चीज़ें हैं प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नेक्स्ट जब कभी आप में से कोई आए तो उसको क्या प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। सो चलते हैं अभी घर, बाइक्स मिली हैं फिलहाल, बाकी बातें घर चले करते हैं। रावलपिंडी पहुँचते भाई पहले मैंने सोचा कि बाइक को वॉश करा लिया जाए, तो दोनों बाइक अभी वॉश हो रही हैं और बहुत ज़्यादा खुआरी हुई हमें बिल्टी को रिसीव करने में। साथ साथ ये कि आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा इंडिकेटर ब्रेक हो चुका है वन साइड का, और मैंने न्यू हॉर्न लगाया था इसमें, न्यू हॉर्न सिर्फ फ्रांसिस से लगाते हुए आए थे, हमने चेंज करवाया था कि उसका अच्छा साउंड होगा तो हमारे लिए आसानी होगी, तो वो हॉर्न गायब है। फिलहाल गाड़ी बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी गंदगी सामान बहुत ज़्यादा था, तो खैर वो तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन चीज़ें गायब होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वॉश हो जाए गाड़ी फिर हम घर चलते हैं और बिल्टी की सारी बात सुनाते हैं आपको।